दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आईपीएल मैच देखने के लिए आपने जियो सिनेमा एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हो लेकिन आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन को जब भी आप ओपन कर रहे हैं आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, इस तरह का आपको एरर शो रहा है रिट्राई का, और जितनी बार आप रिट्राई पर टैप कर रहे हैं इसी तरह की ब्लैक स्क्रीन आपको शो रही है, आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है कि आपने जियो सिनेमा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है लेकिन आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही है, आप उसमें आईपीएल के मैच नहीं देख पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को इसका 100% सॉल्यूशन बताऊंगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉब्लम के लिए आपको किसी दूसरे YouTube वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली है लेकिन जब आप ओपन कर रहे हैं तो इस तरह का आपको रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है, आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। इन स्टेप को आपको फॉलो करना 100% आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व होने वाली है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है दोस्तों कि आपको प्ले स्टोर पर चले जाना। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जियो सिनेमा लिख के सर्च कर लेना है। जैसे आप जियो सिनेमा लिख के यहाँ पर सर्च करेंगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन में इस तरह से अपडेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। अगर अपडेट अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पहले से अपडेट है या फिर आपने अपडेट कर लिया लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या, चलिए उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली अपनी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना, इसके बाद यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे चले जाना है। अब इस पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपको डाटा यूज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सिंपली इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको चेक कर लेना है कि अगर आप अपनी पहली सिम से यानी कि सिम वन से नेट चला रहे हैं तरह से वो यहाँ से एनेबल है या नहीं। अगर टू से चला रहे हैं तो इसका एनेबल होना जरूरी है, अगर आप वाईफाई से चला रहे हैं तो इसका एनेबल होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कि आप वाईफाई से नेट चला रहे हैं लेकिन आपका ये डिसेबल है तो आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगी, वो सिर्फ आपके मोबाइल डाटा से ही चलेगी। और अगर आप मोबाइल डाटा से चला रहे हैं और जिस सिम से आप डाटा यूज कर रहे हैं अगर वो डिसेबल है तो भी आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले इस ऑप्शन को चेक कर लेना है। अब इसके बाद में भी अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व नहीं होती तो उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपली आपको चले जाना अपने मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना अपने नेटवर्क वाली सेटिंग में। नेटवर्क वाली सेटिंग में जाने के बाद जिस सिम से आप नेट चला रहे हैं उस सिम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेकंड वाली सिम से नेट चलाता हूं, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक एक्सेस पॉइंट नाम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद सबसे बॉटम पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू एपीएन और रीसेट एपीएन। आपको सिंपली रीसेट वाले बटन पर टैप कर देना। जैसे आप रीसेट वाले बटन पर टैप करेंगे तो आपके फोन की इंटरनेट सेटिंग यहाँ पे रिसेट हो जाएगी और इससे भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो सकती है। लेकिन अगर रिसेट करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो नेक्स्ट तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में आना, ऊपर सर्च सेटिंग आपको जो देखने को मिलती है सर्च बार पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है DNS। इस तरह से DNS लिखना है तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट DNS ऑप्शन मिल चुका है, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक तो DNS डाल के देख लेना DNS.google और इसके बाद आपको सेव कर लेना है। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए। लेकिन DNS चेंज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी प्रॉब्लम यहां पे सोल्व हो जाएगी, आप जियो सिनेमा के माध्यम से आईपीएल के मैच देख पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने जियो सिनेमा की एप्लीकेशन को यहां से बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देना है। अब अनइंस्टॉल करने के बाद आपको चले जाना है यहां पे अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं क्या टाइप करना। आपको यहां पर टाइप करना दोस्तों JioCinema.com। इस तरह से आपको JioCinema.com लिखना और इसके बाद आपको यहां पर सर्च कर देना है। इसे आप सर्च करेंगे तो आपके ब्राउजर में JioCinema.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहां पे आपको बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे कि आपको जियो सिनेमा की एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आईपीएल का मैच चल रहा है और लाइव आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए मैं इसको यहां से ओपन करके आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं हमारा आईपीएल का मैच यहाँ पे ओपन हो चुका है, यानी कि अब आपको जियो सिनेमा की एप्लीकेशन को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप JioCinema.com पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आईपीएल के मैच देख सकते हैं और जियो सिनेमा की एप्लीकेशन में जो कुछ भी आप देखते हैं सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जियो सिनेमा की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रोसेस मैंने बताया उनको आपको फॉलो कर लेना। अगर आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन उस प्रोसेस को फॉलो करने से वर्क कर जाती है तो आप जियो सिनेमा में अपने आईपीएल के मैच देख सकते हैं। लेकिन सब कुछ आप कर लेते हैं फिर भी आपकी जियो सिनेमा की एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है तो फिर आप सिंपली अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए, JioCinema.com को ओपन कीजिए और यहां पे बिल्कुल आप अपनी एप्लीकेशन की तरह से यहां पे बिल्कुल स्मूथ मैच देख पाएंगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।